शहर के अजमेर रोड दादीधाम के समीप एक घर के स्टोर रूम में कोबरा सांप मिलने से घर के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर को घर के स्टोर रूम में सांप बैठे होने की सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने स्टोर रूम से ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित रूप से पास ही के जंगल में छोड़ दिया। तब कहीं जाकर घर के लोगों ने चैन की सांस ली। जानकारी के अनुसार सोमवार रात को अजमेर रोड दादीधाम के समीप रहने वाले लालचंद ने अपने घर के स्टोर रूम से सामान निकालने के लिए उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो उनके सामने फन फैलाए हुए बैठा एक काले रंग का सांप दिखा। सांप देखकर लालचंद एक बार तो सहम गया, लेकिन उसने तुरंत स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया और स्नेक कैचर सुरेंद्र सिंह को घर में सांप मिलने की जानकारी दी। घर में सांप होने की जानकारी मिलने के बाद सुरेंद्र सिंह कुछ ही देर से लालचंद के घर पर पहुंचे। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने घर के लोगों को स्टोर रूम से दूर रहने की हिदायत देते हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि एक काले रंग का सांप फन फैलाए हुए बैठा है, जिसको सुरेंद्र सिंह ने सुरक्षित रूप से पकड़ कर एक कट्टे में बंद कर दिया, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह ने उसे पास के जंगल में ले जाकर सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। तब तक कहीं जाकर घर के सदस्यों ने चैन की सांस ली। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि यह काले रंग का सांप ब्लैक कोबरा है, जिसकी लंबाई 4 फुट की है तथा यह काफी जहरीला सांप होता है।